हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वो साइंस क्या है, वो रेड फ्लैग्स क्या है, कि हम किसी के साथ किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, वो रिलेशनशिप जो आपको आपका हायर पर्पस नहीं सर्व कर रही है, वो रिलेशनशिप जो आपको आगे लेके जाने के बदले वहीं पर आप स्टक हो गए हो, आपकी लाइफ प्रोग्रेस नहीं हो रही है। और कई बार ऐसा होता है कि हम रिलेशनशिप में अपने आप को खो देते हैं उस इंसान को खुश करने के लिए। तो पहले साइन ये है कि उस इंसान के आगे आप ऑथेंटिक नहीं हो, जो आप ट्रू सेल्फ है आपका, आप वो ट्रू सेल्फ में ऑथेंटिक वे में नहीं रह रहे हो। या तो एक डबल मास्क डालना पड़ रहा है आपको, आप एक्चुअल में कुछ और हो और उस इंसान के आगे आप एक तरह का मास्क डाल के रह रहे हो, अपनी ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, अपने ओपिनियंस कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, और जस्ट बिकॉज सोसाइटी के आगे आपको रहना है और पब्लिक के आगे आपको दिखाना है, इसलिए आप उस इंसान के साथ रह रहे हो। तो ये एक बहुत मेजर साइन है कि आप ऑथेंटिक लाइफ नहीं रह रहे हो, और आप जो जिस रिलेशनशिप में हो वो एक उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है। तो ये था पहला साइन। दूसरा है इंकरेजिंग योर पैशंस। मतलब आप हर एक इंसान का एक लाइफ पर्पस होता है, कुछ ऐसा होता है जो उन्हें करना बहुत पसंद है, उनके लिए वो बहुत पैशनेट होते हैं अपने लाइफ में। तो अगर आप जिस इंसान के साथ इन्वॉल्व हो वो इंसान आपके पैशंस को एंकरेज नहीं कर रहा है, और अगर आप उनसे कुछ कहते हो कि जैसे मुझे यही चीज़ करना बहुत पसंद है, मुझे बहुत शौक है ये सब चीज़ों का, तो वो इंसान आपको उसमें कुछ सपोर्ट नहीं करता है या कुछ एंकरेजमेंट आपको नहीं मिलती है, और एक तरह का आपका ग्रोथ रुक गया है और आपकी लाइफ प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो ये एक और साइन है कि आपके साथ जो आपका लाइफ पर्पस है उसमें आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तीसरा है एनर्जीज। एनर्जीज बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। आप जब भी इस इंसान के आसपास हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान के आसपास एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही है, और आप बहुत टायर्ड और फटीग जैसा महसूस करते हो जब भी ये इंसान आपके आसपास होता है। आप इतना सब कुछ कर रहे हो उस रिलेशनशिप को काम करने के लिए, आप अपना 100% लगा रहे हो उस रिलेशनशिप को काम करने के लिए, उसके बाद भी आप ड्रेन्ड फील करते हो कि इतना करने के बाद भी मेरा एनर्जी ड्रेन हो रहा है और मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ या कुछ कर नहीं सक रही हूँ इस रिलेशनशिप को काम करने के लिए। आप उस रिलेशनशिप को फोर्सिबली फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, पर फिर भी वो रिलेशनशिप फिक्स नहीं हो रही है। फीलिंग्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है रिलेशनशिप में। अगर आप भले ही वो इंसान दिखने में कितना भी अच्छा हो, कितना भी ऑन पेपर वो इंसान हाईली एडुकेटेड हो या बहुत हाई स्टेटस हो उनका, या आपके ट्रेडिशंस मैच होते हो, आपके लाइक्स और डिसलाइक्स मैच होते हो, पर अगर वो इंसान के आसपास आप फील नहीं कर सकते हो अच्छा, वो फील गुड इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो कुछ यूज़ नहीं है उसका, उस रिलेशनशिप में रहने का कुछ यूज़ नहीं है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग है, सिग्नल है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है रिलेशनशिप में। तो अगर आप किसी के आगे डीपली शेयर नहीं कर पा रहे हो, ओपन कम्युनिकेशन नहीं है,
आप दोनों के बीच में, और आप एक ऑकवर्ड साइलेंसेस आ जाता है, या आप ओपनली अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस या कन्वे नहीं कर पा रहे हो सामने वाले इंसान को, और एक दूसरे को ब्लेम करते हो या आर्ग्यू करते हो एक दूसरे से कम्युनिकेशन के टाइम करने के लिए। हम अक्सर रिलेशनशिप में अपनी गलतियों को ना देख के सामने वाले पे ब्लेम करना चालू कर देते थे, तो आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हो, या प्रॉपर कम्युनिकेशन एक्सचेंज नहीं है, फ्लो नहीं है कम्युनिकेशन का, तो ये भी एक बड़ा साइन है कि वो जो रिलेशनशिप में आप हो वो रिलेशनशिप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप में, तो ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि किस तरह से आपका कम्युनिकेशन फ्लो होता है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि रिलेशनशिप में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं है जो परफेक्ट है। हम सब में गलतियां हैं, हम सब में इम्परफेक्शंस हैं, बट कभी कभार जैसे ही हम किसी इंसान के साथ क्लोज वे में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये इम्परफेक्शंस बहुत ज़्यादा बड़े लगने लगते हैं, और हम सामने वाले को ब्लेम करना चालू करते हैं, क्रिटिसाइज़ करना चालू कर लेते हैं। तो अगर एक दूसरे की गलतियां हैं उसे एक्सेप्ट करने में हमें डिफ़िकल्टी हो रही है, और अल्टीमेटली वो सामने वाला इंसान आपको वर्थलेस फील करा रहा है, या डीवैल्यूड आप फील कर रहे हो उस इंसान के आसपास, और वो इंसान बहुत क्रिटिकल है और हमेशा आपको दोष देता रहता है या दोष देती रहती है वो इंसान आपको, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन हो सकता है। क्रिटिसिज्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, क्योंकि अगर आप आपका सेल्फ लव कम हो रहा है और आप अपने आप को वर्थलेस फील कर रहे हो, डिजेक्टेड फील कर रहे हो, तो वो रिलेशनशिप डेफिनेटली एक रॉन्ग ट्रैक पे जा रही है। और एक साइन ये है कि मैनिपुलेशन और कंट्रोल बहुत ज़्यादा है रिलेशनशिप में, कि अगर आप को कोई मैनिपुलेट कर रहा है अपना काम निकालने के लिए, और बहुत स्वार्थ के बेस पर है कि वो इंसान आपसे बहुत अच्छे से बिहेव करता है जब तक उसे अपना काम रहता है, और फिर जब उस इंसान का काम निकल जाता है आपसे, या तो वो काम किसी भी तरह का हो सकता है, कोई फाइनेंशियल या फिज़िकल नीड या कोई इमोशनल नीड, तो जब उस इंसान की वो नीड पूरी हो जाती है तो वो इंसान आपको इग्नोर करने लगता है, जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वो इंसान इग्नोर करने लगता है, आपको अवॉइड करने लगता है, और कम्प्लीटली मैनिपुलेशन के बेस पे रिलेशनशिप चल रहा है, या फिर वो इंसान आपको बहुत कंट्रोल कर रहा है, आप उस इंसान के आसपास फ्रीडम महसूस नहीं कर रहे हो, तो बहुत ही कंट्रोल्ड के बेसिस पर वो रिलेशनशिप चल रही है, आप एक घुटन सा महसूस कर रहे हो रिलेशनशिप में, आप एक आज़ादी नहीं महसूस कर रहे हो, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइन है कि वो मैनिपुलेशन और कंट्रोल के बेस पे रिलेशनशिप चल रहा है। तो ये थे साइंस। अगर आपको लग रहा है कि ये सारे साइंस प्रेजेंट है आपके रिलेशनशिप में, तो मैं कहूँगी कि फिर से आप उस रिलेशनशिप को क्वेश्चन कीजिए, और आप सोचने की कोशिश कीजिए कि सच में वर्थ है इस रिलेशनशिप में रहना, और अगर इनमें से एक या दो साइन आपको लग रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में है, तो आप उस पर काम कर सकते हो और उसे और इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हो। रिलेशनशिप के कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे आप किसी इंसान को मिलते हो, कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है, अब ये मीटिंग या तो अरेंज हो या अचानक से सडनली आप उस इंसान से मिल रहे हो,
और यू यू फील दैट फिजिकल अट्रैक्शन. फिर एक फ्रेंडशिप वाला स्टेज आता है जब उस इंसान को आप इन अ डीपर वे समझने की कोशिश कर रहे हो, रिलेशनशिप डीप होते जा रहा है. और ये एक ऐसा टाइम आता है जब बहुत सारे टेस्ट भी आते हैं रिलेशनशिप में, बहुत सारे ऐसे डिफ़िकल्ट मोमेंट्स भी आते हैं. तो फिर क्या आप उस टेस्ट को पास करते हो, जो डिफरेंसेस है उन सबको आप एक्सेप्ट कर सकते हो. तो ये एक फ्रेंडशिप वाला स्टेज है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो फाउंडेशन रखता है एक रोमांटिक लव की. उसके बाद आप वो रोमांस वाले फेज़ में चले जाते हो जब एक्चुअल में आप उस इंसान के साथ डेटिंग में जाते हो, डेट करने लगते हो, मीटिंग्स एंड ऑल लेते हो. तो फिर उसके बाद में आप फाइनली डिसाइड कर सकते हो कि इस इंसान के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना है या नहीं, एक्चुअल मैरिज में जाना है या नहीं, किसी रिलेशनशिप में कमिट होना है कि नहीं, कमिटमेंट देना है या नहीं. अब इनमें से अगर एक भी फेज़, जैसे अगर फ्रेंडशिप का फेज़ है आपने स्किप किया और डायरेक्ट आप मिले हो उस इंसान से और डायरेक्ट आपने शादी करने का डिसाइड कर लिया है बिना एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे या बिना एक दूसरे के बारे में जाने, तो वो एक डिफ़िकल्टी हो जाती है रिलेशनशिप में. वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं देता है रिलेशनशिप में. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि टाइम एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रिलेशनशिप में. अगर आपको सच में सीरियस हो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में पढ़ने के लिए, तो उस रिलेशनशिप को टाइम दीजिए. फ्रेंडशिप वाला जो स्टेज है उसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए. तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा एक्चुअल कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप के लिए. बस मुझे यही शेयर करना था आपसे इस वीडियो के थ्रू. थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, नमस्ते.